गिव अस मिनरल, यस टेल मी, ग्रेनाइटिक और बेसाल्टिक? लेकिन बेसाल्टिक में आयरन ज्यादा होता है, लेकिन आयरन क्या हुआ, दिस बेसाल्टिक मैग्मा कम एंड स्प्रेड आउट, तो देयर पार्टिकल्स आर नॉट एबल टू गेट व्हाट कंपेटिबल टाइम टू व्हाट इज इन मेकिंग अ थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री, एंड वेयर दे आर नॉट एबल टू मेक थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री, देन दे विल बी इन द फ्री स्टेट लाइक दिस आयरन एंड ऑल. इफ विल गो इन टू द ब्लैक सॉयल ऑफ इंडिया बेसाल्टिक लावा, दे हैव एन आयरन कंटेंट इज मोर, बट देर इज नो आयरन मिनरल्स. अंडरस्टूड? Iron minerals is not there because they are not able to make three-dimensional geometry. What is the temperature? Tell me fast. Up now it is becoming 800 and low and low. And aluminium. Aluminium, you know that it is the lightest. Aluminium is the lightest metal. Yes, tell me. Aluminium is the? What is the meaning of hydro? Water. Understood? थर्मल मीन्स इन आवर बॉडी आर्टरी एंड वेन्स, समझते हो? आर्टरी द व्हाट इज सम पाइपलाइंस कमिंग फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी, इट इज आर्टरीज, एंड देन पाइपलाइंस कमिंग फ्रॉम बॉडी टू द हार्ट, वेन्स, जो हार्ट से जाए हार्टरीज, रेस्ट इट इज क्लियर, अदरवाइज सम वेसिकल्स आर देयर. सो आई सेड दैट आर्टरीज एंड वेन्स, सो आई सेड दैट यहां से सम, दिस विल बी सम, देर विल बी सम वॉटर ऑल्सो, आई हैव सेड दैट सम वॉटर विल स्टार्ट कमिंग लाइक दिस इन द फॉर्म ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर, और इसमें क्या है, वॉटर वेपर्स, एंड दैट बिकम्स लाइक इन अ पाइप, इट इज नोन एज हाइड्रोथर्मल वेन्स, इट इज नोन एज व्हाट, हाइड्रो थर्मल वेंस. क्या है ये, क्या है ये, हाइड्रोथर्मल यस, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर दे विल कम इन टू द सेडिमेंट्री, आसपास सेडिमेंट्री रॉक है, उस सेडिमेंट्री के क्या है स्पेस बनाते हुए दिस वेरी हॉट वाटर 600, 700, 500 टेम्परेचर वाले, दे आर कमिंग आउट, आएंगे कि नहीं, हमारे में 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या देखते हो, बहुत स्टीम भागता है, सोचो इतने कितने दे आर हैविंग एन व्हाट प्रेशर, और इसमें क्या बना, यस टेल मी, अल्मोनियम के दो एटम्स, ऑक्सीजन के थ्री एटम्स विल बी एबल टू मेक व्हाट, बॉक्साइट, सो यहां पे क्या मिलेगा, विच वन, अल्मोनियम और एंड देन कॉपर ओर, सो अल्मोनियम एंड कॉपर वेर यू आर फॉर्मिंग इन द हाइड्रोथर्मल वेन्स, समझ में आ गया, यस, इज इट ओके, नाउ टेल मी आयरन में, अच्छा बताओ क्रिनेटिक मैग्मा में विच परसेंटेज इज मोर, सो आयरन के साथ इंप्योरिटीज क्या होगा, सिलिका, इन सब के साथ इंप्योरिटीज में क्या मिलेगा, सिलिका, अंडरस्टूड, एंड इफ आई एम टेलिंग यू ये सिलिका इसमें कम रहेगा, देयर विल बी सम अदर्स आर देयर, यस आर नॉट, सॉफ्टर, इसकी माइनिंग हार्ड है एंड इट्स माइनिंग इज वॉट, कंपेरेटिवली इजी, अंडरस्टूड, it will be little deeper, it will be little shallow, getting my point, samajh mein aa gaya, so which magma, which magma, and when they have minerals, when they solidified granitic rocks, so the granitic rocks of India has, yes tell me, minerals, granitic rocks of India has, and if you'll see the map of India, shall I remove this now, understood, याद रहेगा या भूल जाओगे आफ्टर सम टाइम, विल रिमेंबर या फॉरगेट आफ्टर सम टाइम, दिस इज आई सेड दैट मेरे साथ बोलेंगे मैप्स स्टेट, ऑल ऑफ यू नो ना वेयर द ऑल द स्टेट्स आर देयर, आई एम गोइंग टू टेक द नेम ऑफ स्टेट्स.
झारखंड, देख रहा, झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़, झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ अटैच्ड ईस्टर्न एमपी, एबल टू सी विच आर आई सेड दैट, झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ ईस्टर्न एमपी, छत्तीसगढ़ अटैच ईस्टर्न महाराष्ट्र विदर्भ रीजन. सो विच आर द रीजन आई सेड दैट, विच आर द फाइव स्टेट्स आई सेड, झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ ईस्टर्न एमपी ईस्टर्न महाराष्ट्र. तेलंगाना एबल टू लोकेट, रायलसीमा, रायलसीमा सदर्न आंध्रा, तेलंगाना रायलसीमा एबल टू लोकेट, सदर्न कर्नाटका, नॉर्दर्न तमिलनाडु, विच आर द स्टेट आई सेड दैट, झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ ईस्टर्न एमपी ईस्टर्न महाराष्ट्र, तेलंगाना रायलसीमा सदर्न कर्नाटका नॉर्दर्न तमिलनाडु. दिस रीजन हैज ईस्टर्न घाट, दे हैव व्हाट, एंड दिस ईस्टर्न घाट हैज बीन, यहां पर क्या हुआ था अराउंड 2000 मिलियन ईयर्स अगो, इंट्रूसिव ग्रेनेटिक मैग्मा इन लार्ज अमाउंट, और फ्रॉम द मेघालय, मीन्स मेघालय से लेकर ये पूरा रीजन क्या है, यस, व्हाट इज दिस, सो मैनी ईयर ओल्ड, अंडरस्टूड, एंड देन ईस्टर्न घाट इज फॉर्म्ड ऑफ व्हाट, क्या क्या बोलेंगे, ग्रेनाइट, और ग्रेनाइट उस समय से प्रेशराइज्ड हुआ होगा कि नहीं, सो ग्रेनाइट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मेटामॉर्फिक रॉक, इट इज नोन एज निस, इट इज नोन एज व्हाट, एंड इन द सच लॉन्ग पीरियड ऑफ ईयर दिस ग्रेनाइटिक रॉक बिकम क्रिस्टलाइन, तो कैन आई सेड दैट ग्रेनाइटिक क्रिस्टलाइन निस, कैन आई सेड दैट ग्रेनाइटिक क्रिस्टलाइन निस, निस मीन्स उसी का प्रेशराइज्ड, ग्रेनाइटिक रॉक प्रेशराइज्ड, सो दिस हैज विच रॉक, टेल मी, ग्रेनाइटिक क्रिस्टलाइन निस, ग्रेनाइटिक क्रिस्टलाइन निस, इफ यू कैन सी द स्टेट्स, एंड देन स्टेट्स कैन बी लाइक आई सेड दैट, झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़, झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ ईस्टर्न एमपी ईस्टर्न महाराष्ट्र, तेलंगाना रायलसीमा सदर्न कर्नाटका नॉर्दर्न तमिलनाडु, एबल टू लोकेट, दिस रीजन हैव व्हाट, सो इट मीन्स दिस रीजन ऑफ इंडिया हैज व्हाट, मेटालीफेरस मिनरल्स, एंड दिस में मेटालिक नहीं है, क्या है, नॉन मेटालिक, व्हाट इज देयर, so here we have which minerals, metalliferous minerals, understood, and this part of India is non metallic, understood, iska matlab ye nahi ki wahan non metallic hai to kahin kahin granitic hoga, they will have what, metallic, understood it, समझ में आ गया, सो द वाई दिस पोर्ट दिस रीजन ऑफ इंडिया हैज मिनरल्स, और अभी आपने देखा था पहले झारखंड, वहां पर एक जगह है मूसाबानी, विच रीजन, मूसाबानी, जस्ट ऐसे ही अभी देर इज एन अवॉट जादूगुड़ा मूसाबानी यूरेनियम रिजर्व, व्हाट इज देयर, एंड आफ्टर दैट जस्ट इन 2011 इन आंध्रा वी हैव फाउंड आउट व्हाट, यूरेनियम इन कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट, एंड इट इज सपोज टू बी द वन ऑफ द हाइएस्ट रिजर्व, यदि इसका अच्छे से पोटेंशियल मिल गया तो, अंडरस्टूड, एंड स्टिल वी आर लैगिंग इन टेक्नोलॉजी टू फाइंड आउट द व्हाट, फाइंडिंग आउट डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स, तो इट्स दिस रीजन हैज एन अ वेरी हाई चांस ऑफ व्हाट इज एन अ गुड अमाउंट ऑफ अदर मिनरल्स, अंडरस्टूड, झारखंड, यू नो दैट झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ कर्नाटका, दीज रीजन आर फेमस फॉर आयरन ओर, yes or not, so understood it, killer, shall I move ahead, so granitic rock,
What it is? Granitic rock where the silica and ferrous magnesium is more. Silica is more than ferrous magnesium. 900 to 950 there is a temperature. Pasty, highly viscous, means hard to flow. And which one is causing explosive volcanic eruption? Strong nature will not cause. Strong nature is giving an intermolecular bonding. Lekin usko todne ke liye who wants to come out? Gaseous pressure. Understood? Both are contributing in the, yes, tell me, explosive. And it comes out through the explosive volcanic eruption. And how much it comes out? 3 to 5%. It means most of the granitic magma in the form of granitic rock remain within the earth's surface. And that is, I said that. And therefore, we can say that over the period, this granitic rock passed through crystallization. And so, where basaltic rock will have crystal or granitic rock will have crystal? And basaltic rock powder, amorphous, sabhi bataya, because fast cooling. Yadi basaltic magma somehow earth ke niche trapped ho jaye, hota bhi hai, jisko hum log padhte hain plutonic rock below the deeper surface. आप लोगों को नहीं जानना है, पहले हम लोग पढ़ते थे व्हेन ज्योग्राफी प्री में भी हुआ करता था. सो आई सेड दैट प्लूटोनिक रॉक, हाइपरबिसल रॉक्स, आई सेड दैट. तो यहां पर वो जब ट्रैप हो जाता है, दे आर आल्सो कन्वर्टिंग इनटू मिनरल्स. हो जाएगा आयरन बहुत ज्यादा होगा, बहुत होगा कि नहीं होगा? दे विल स्टार्ट व्हाट, क्रिस्टलाइजिंग ओवर द लॉन्ग पीरियड व्हेन सॉलिडिफाइड. लेकिन इतने 40-50 किलोमीटर जाओगे निकालने के लिए, जितने का बहुआ नहीं उतने का झुंझुना. यू अंडरस्टैंड दैट मींस द वन वर्ड हैज बीन दैट इफ आई एम एक्सट्रैक्टिंग द मिनरल ऑफ व्हाट इज 100 रुपीस एंड पुटिंग एन व्हाट एक्सट्रैक्शन कॉस्ट 1000 रुपीस, सो वी आर इन द लॉस ऑफ 900. सो देयरफॉर वी आर नॉट एक्सट्रैक्टिंग दिस वन. सो हु इज सपोज टू बी द मिनरल रिजर्व? ग्रेनाइटिक रॉक. We have also basaltic rock which are, क्योंकि basaltic magma by coming near our surface, वो इतना गर्म होता है और इतना पतला, they are highly, what is in a liquid, they easily come out. So they are not able to convert into what? Solidification below the earth surface, just near to the shallow depth. Understood it? नहीं तो सबसे ज्यादा minerals किस में होता? Basaltic rock, if it has been solidified at the shallow depth. Because at compatible condition, they started making three-dimensional geometry. So at present, granitic rock has what? Shall I remove? Now we are going to say, then now, suppose a rock is like this. Rock, and if one rock is like this, which rock is stronger? ये वाला रॉक स्ट्रॉन्गर है या दिस वन? फर्स्ट ये वाला स्ट्रॉन्गर है. यस, व्हेन देयर विल बी क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर कंप्लीटली व्हाट? टाइटली इंटरलॉक्ड. सो ग्रेनाइटिक रॉक इज व्हाट? स्ट्रॉन्गर देन बेसाल्टिक. अंडरस्टूड? ग्रेनाइटिक रॉक इज व्हाट? एंड ग्रेनाइटिक रॉक को क्या बोलते हैं? एसिडिक रॉक. It is also known as, now we are going to see intrusive volcanic landform, which I said that. So, ye magma, when this granitic magma will solidify within the earth surface, so they will give some kind of landform. And the civil engineers, they used to study this. To why? Why do they are studying this? To find out the potential mineral reserve. So, intrusive means within the surface. So, we are going to see along, abhi bhi hum log kaun sa kar rahe hain? Granitic magma and the granitic rock. I said that intrusive volcanic landform. Intrusive volcanic landforms. These are batholith. पढ़ा होगा, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, दिमाग से हमेशा ही batholith, इससे related bosses
और बेटर टू से स्टॉक्स. देन आई सेड दैट लैकोलिथ लोपोलिथ लिथ मीन्स रॉक. Another I said, phacolith, sill, dike. Which other rocks I said that? Batholith, lacolith, lopolith, phacolith, sill. And then I said that dike.